सो हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स आज हम प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट जो हमारा बीकॉम कॉम फिफ्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है उसका एक चैप्टर करने जा रहे हैं चैप्टर है हमारा परचेज मैनेजमेंट ठीक है तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इजी सा है और इसके जितने भी प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया है वो इस वीडियो में हम करेंगे ठीक है तो आपको वीडियो को लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर भी कर देना है और अपना फीडबैक भी देना है कॉमेंट में ठीक है तो हम वन बाय वन इसके सारे के सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे तो परचेज मैनेजमेंट हमारा ये सब्जेक्ट है तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ डिफाइन परचेजिंग एलोबोरेट वेरियस ऑब्जेक्टिवस ऑफ परचेजिंग फंक्शन इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न तो ये एज इट इज़ आपको क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर बेस्ड है फिफ्टीन मार्क्स में आपको परचेजिंग क्या होती है वो बताना है ठीक है फिर आपको वेरियस ऑब्जेक्टिव बताने हैं परचेजिंग फंक्शन के एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में ओके सो स्टार्ट करते हैं कह रहे परचेजिंग इज़ द प्रोक्यूरिंग ऑफ मटीरियल कह रहे परचेजिंग का मतलब है खरीदना मटीरियल को सप्लाई सप्लाईज़ को टूल्स को सर्विसेज को ठीक है जो भी रिक्वायर्ड है फॉर क्या करने के लिए इक्विपमेंट मेंटेनेंस एंड ऑपरेशंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है आपकी उसके लिए इक्विपमेंट उसकी मेनटेनेंस की कोई अगर रिक्वायरमेंट है या कोई ऑपरेशन है वहाँ पे वो करने के लिए जो भी मटेरियल चाहिए जो भी सप्लाई चाहिए जो भी टूल चाहिए जो भी सर्विसेज चाहिए वो सारी लेना प्रोक्योर करके लाना उसे ही हम क्या कहते हैं परचेजिंग ये एक प्रोसेस होती है जिसमें आप प्रोक्योर करते हो लेते हो मटेरियल सप्लाई टूल्स एंड सर्विसेज को जो भी रिक्वायर्ड है आपके इक्विपमेंट मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के ओके okay? ओके okay. तो यहाँ पर साइंटिफिक परचेजिंग भी बोला कह रहे साइंटिफिक परचेजिंग क्या होता है ये एक रैशनल एक्टिविटी होती है दैट इज़ डू जो कि आप करते हो आप इसमें भी प्रोक्योर कर रहे हो इनपुट को एट लीस्ट इन्वेस्टमेंट एंड कॉस्ट ठीक है बट यहाँ पे क्या कह रहे हो लीस्ट इन्वेस्टमेंट एंड कॉस्ट की कम से कम आपकी इन्वेस्टमेंट और कॉस्ट लगे और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो भी मीट हो जाए ऑर्गेनाइजेशन की ठीक है समझदारी वे से क्या है ये साइंटिफिक परचेजिंग होती है तो अब हम यहाँ पर देखते हैं ऑब्जेक्टिव पूछे थे आपसे तो फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिवस ऑफ साइंटिफिक परचेजिंग सबसे पहले कह रहे परचेजिंग या साइंटिफिक परचेजिंग का ऑब्जेक्टिव देखें तो इसमें हमें इंश्योर करना होता है कि जो भी मटीरियल हम परचेज़ कर रहे हैं ना वो क्या होना चाहिए जिस भी क्वालिटी का आपको चाहिए उसी क्वालिटी का होना चाहिए और इंश्योर करना कि कॉन्टीन्यूस अवेलेबिलिटी मटीरियल की हो फिर इंश्योर करना कि सप्लाई ऑफ मटीरियल राइट टाइम पर हो जाए फिर पे करना रिजनेबल प्राइस अपने मटेरियल के लिए नेक्स्ट है क्रिएट करना एक गुड इमेज किसके माइंड में सप्लायर के माइंड में अपने बारे में नेक्स्ट है डेवलप करना ऑल्टरनेट सोर्सेज कि कहाँ कहाँ से आप सप्लाई करवा सकते हो अपने प्रोडक्ट की बार्गिनिंग पावर अच्छी रखना ठीक है अवॉइड करना कोई भी डुप्लीकेशन वेस्टेज ऑप्सलेंस ना हो ठीक है देन मेंटेन करके रखना कंपनी की कॉम्पिटेटिव पोजीशन इंश्योर करके कि आपके वहाँ जो है क्वालिटी प्रोडक्ट आ रहे हैं फिर यहाँ पे आपसे सिग्निफिकेंस पूछी थी तो कह रहे जो क्वालिटी है और यील्ड है फाइनल प्रोडक्ट की वो डिपेंड होती है कि कितना अच्छा क्वालिटी का मटेरियल परचेज़ किया था फिर कह रहे मटीरियल जो भी यूजुअली अकाउंटेड सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव परसेंट ऑफ़ द टोटल कॉस्ट होता है तो अगर तब भी बहुत इसीलिए इंपॉर्टेंट है अच्छा आपका साइंटिफिक परचेज़ करना फिर कह रहे हैं गुड परचेजिंग सिस्टम से क्या रिजल्ट आता है कि आप ना यूज़ करते हो आपका यूज़ हो जाता है स्टोरेज स्पेस अच्छे से और मिनिमम कैपिटल लगती है इन्वेस्ट करने में इन्वेंट्री फिर नेक्स्ट है आपका आफ्टर सेल सर्विसेज जो कॉस्ट आफ्टर सेल सर्विस कॉस्ट एंड प्रमोशन कॉस्ट है रिड्यूस की जा सकती है क्यों क्योंकि आपको जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हाई क्वालिटी का है तो आपको मतलब ज़्यादा आफ्टर सेल सर्विस देनी नहीं पड़ेगी ना जब क्वालिटी बहुत अच्छी बनाई है ना फिर प्रोडक्शन गोज ऑन अन इंटरप्टबली मतलब कि कोई भी आपका इंटरप्शन डिक डिस्टरप्शन नहीं आएगी मटेरियल जो भी आप परचेस कर रहे हो अच्छे से करो राइट right क्वांटिटी में राइट right क्वालिटी का राइट right टाइम पे राइट right प्राइस पे राइट सोर्सेज है फिर है ये हेल्प करता है मेंटेन करने में एक कॉम्पिटेटिव पोजीशन कंपनी की ठीक है क्यों क्योंकि भाई प्रोड्यूस कर रहे हैं क्वालिटी प्रोडक्ट हम मिनिमम कॉस्ट में तो ये आपका था कि क्या सिग्निफिकेंस है अगर आप साइंटिफिक परचेजिंग करके आते हो पहले परचेजिंग का मीनिंग पढ़ा हमने फिर साइंटिफिक परचेजिंग क्या होती है वो पढ़ा फिर इसके ऑब्जेक्टिव पढ़े हमने एंड फिर हमने इसके सिग्निफिकेंस पढ़ी तो ये क्वेश्चन आपका था जो आया हुआ है आपको अगर आपको एग्जाम में आ जाएगा तो आपको ऐसे ही करना है ठीक है और वीडियो लाइक पसंद आ रही है तो लाइक करते रहना है साथ के साथ फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो है डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ परचेजिंग आपको अलग अलग टाइप की परचेजिंग बतानी है उनके मेरिट्स भी बताने हैं उनके डी मेरिट्स भी बताने हैं स्पेशली स्पेसिफिकली सॉरी सेंट्रलाइज्ड और डी सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग के तो बेसिकली ना आपको इस चैप्टर से सेंट्रलाइज परचेजिंग एंड डी सेंट्रलाइज परचेजिंग बहुत अच्छे से करके जाना है और बाकी टाइप की भी परचेजिंग आपको करके जानी है तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को तो टाइप्स ऑफ परचेजिंग में बात करें तो सेंट्रलाइज्ड हो सकती है डिसेंट्रलाइज हो सकती है डिपेंड करता है भाई वो कंपनी का साइज कैसा है रिक्वायरमेंट कैसी है उनकी ठीक है तो अगर हम सेंट्रलाइज परचेजिंग की बात करें तो कह रहे हैं वैन द परचेजिंग फंक्शन इज़ इंटरेस्टेड टू अ सिंगल पर्सन कह रहे अगर जो परचेजिंग फंक्शन है ना वो एक सिंगल पर्सन के हाथ में है तो उसे हम बोलेंगे कि भाई सेंट्रलाइज परचेजिंग है वहाँ पे जहाँ पे जितनी भी परचेजेज़ है वो परचेजिंग ऑफिसर के द्वारा हो रही है एक जो सेंट्रलाइज uh, परचेजिंग होता है ना वहाँ पे जो भी परचेज हो रही है वो एक सेंट्रल पॉइंट पर होती है होल ऑर्गेनाइजेशन के एंड मटीरियल को वहीं से इशू किया जाता है फिर अलग अलग डिपार्टमेंट में जब जिसको जहाँ ज़रूरत पड़ जाए सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग होती है जो ये सूटेबल होती है उन केसेज़ में जहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रन कर रही है एक ही प्लांट ठीक है इससे होता क्या है कि uh, मतलब आपकी जो ज़्यादा खर्चा नहीं आता है इकोनॉमीज़ आ जाती है परचेजिंग में ठीक है फ़ायदे क्या है भाई इसके तो पहला फ़ायदा तो ये बेनिफिट हो जाता है बल्क परचेजिंग एक ही डिपार्टमेंट करके ला रहा है तो आपको जो ट्रेड डिस्काउंट है वो मिल जाता है उस पर क्वान्टिटी पर डिस्काउंट मिल जाता है रिड्यूस होती है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्योंकि एक ही बार आ जा रहा है ना फिर बेटर कंट्रोल होता है परचेसिंग पे क्यों क्योंकि सेंट्रलाइज परचेजिंग है जहाँ पे क्या एक ही पर्सन को क्या है ऑथोराइज मिला हुआ है तो डुप्लीकेशन नहीं होगा वही अपने अकॉर्डिंग क्या है सब कुछ करेगा फिर है ये अनेबल करता है कि जो परचेज़ है वो स्टैंडर्डाइज्ड आइटम की हो स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर से सर्विस होती है इसमें एफिशिएंट होती है स्पेशलाइज्ड एंड एक्सपीरियंस परचेज एग्जीक्यूटिव ही क्या है परचेजिंग कर रहे हैं बल्क लेवल पे बाइंग होती है जो क्या है स्ट्रेंदन करता है बार्गेनिंग पोजिशन बायर की सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग हेल्प करती है मिनिमाइज करने में जो भी इन्वेस्टमेंट आप करा रहे हो इन इन्वेंट्री में देन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ना ये रिड्यूस हो जाती है देखो ये सारा क्यों रिड्यूस होगा क्योंकि देखो एक ही बारी ले आ रहे हो ठीक है और इन्वेस्टमेंट uh, कम लग रही है ठीक है अंडर स्टॉकिंग नहीं होगी ओवर स्टॉकिंग नहीं होगी सब आपको पता है उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमने पढ़ लिया देन डिपार्टमेंटल हेड्स एंड ऑफिस मैनेजर क्या है वो क्या है उन्हें पता है कि हमारी क्या रिस्पॉसिबिलिटी है ठीक है अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग क्या है वो चीजें ला सकते हैं कॉस्ट ऑफ ऑर्डर प्रोसेसिंग है हो गया जैसे ऑर्डर प्लेस करना रिसीव करना इंस्पेक्शन करना अकाउंट ये सारा का सारा क्या है एक ही पर्सन कर रहा है तो यहाँ पे जो ये कह सकते हैं खर्चा है वो ज़्यादा नहीं आएगा परचेज डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है अगर इनफिशियंट परचेजिंग होगी तो यहाँ पर ट्रेसेबल होता है कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी फिर जो इकॉनमी है वो आ जाती है यहाँ पे दैट मीन्स आपको फ़ायदा भी होता है देन सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग डिस, डिस्करेज डिसक्रेज करते हैं डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को क्योंकि अगर मान लो सभी परचेज कर रहे हैं तो हो सकता है दो आइटम को अलग अलग बंदे ने परचेज़ कर लिया और एक ही आइटम को दो बंदों ने परचेज कर लिया तो डुप्लीकेशन होता है जिससे मनी वेस्टेज हो जाती है तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं होती क्योंकि एक ही बंदा उसे पता है ना उसने क्या लिया है या क्या नहीं लिया पर डीमेरिट भी है इसके कह रहे जो सेंट्रलाइज परचेजिंग है ना वो डिले करती है क्योंकि भाई एक ही बंदा ला रहा है अब तुम्हें चाहिए अब हम उसके पीछे बैठे हैं कि हाँ भाई वो देगा तो हम करेंगे तो ऐसा नहीं होता है फिर है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि रिक्वायरमेंट क्या थी और उसने क्या समझ ली इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आती है सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट को सेटअप करने में देन सेंट्रलाइज परचेजिंग है इससे डीलेज आ सकते हैं रिसीव करने में मटीरियल अलग अलग डिपार्टमेंट को सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग सुटेबल नहीं है अगर आपकी ब्रांचेस अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशनस में लोकेटेड है एंड जो परचेजिंग प्रोसीजर है सेंट्रलाइज परचेजिंग का वो लेक्स फ्लेक्सिबल होता है और जो माइनर आइटम्स हैं उसको प्रॉपर अटेंशन ही नहीं मिलती है फिर जो सेंट्रलाइज्ड सेंट्रलाइजेशन का रिजल्ट ये आ सकता है कि क्वालिटी डिस्टोरेशन हो सकती है ठीक है मटेरियल की एंड शॉर्टेजेस आ सकती हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी जो मटेरियल है वो परचेज़ नहीं किया जा सकता लोकल सप्लायर के साथ पर कह कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं कि इन स्पाइट ऑफ शॉर्टकमिंग भाई जो बड़ी कंपनियाँ हैं वेरी बिग कंपनीज़ हैं वो प्रेफर करती हैं सेंट्रलाइजेशन को जहाँ पे लार्ज सम ऑफ मनी के हैं इन्वॉल्व होता है एंड जहाँ पे बाइंग है जो वो हैवी बहुत ज़्यादा टेक्निकल होती हैं और ऑल कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑल्सो एंड सेंट्रलाइज़ प्रेफर्ड तो क्या है जितनी भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर भी सेंट्रलाइजेशन क्या है ज़्यादा प्रेफर की जाती है ठीक है फिर है हमारा डी जिसे हम लोकलाइज्ड परचेजिंग भी बोलते हैं अब डी सेंट्रलाइजेशन परचेजिंग ये जस्ट रिवर्स है सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग का ठीक है कैसे तो देखते हैं हम यहाँ पे तो यहां पे क्या बोला हुआ इन्होंने एक सेकेंड गेरा डिसेंट्रलाइज परचेजिंग होता है जो ये रिवर्स है हमने पढ़ लिया आ, कह रहे हैं कि जो लार्ज फर्म्स होती हैं ना जिनके बहुत ज्यादा ब्रांचेज हैं सेक्शंस हैं डिपार्टमेंट है वो इसे फॉलो करते हैं ईच ब्रांच और डिपार्टमेंट खुद ओन मटेरियल एंड इक्विपमेंट को परचेज कर सकता है इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन पावर इन डिफरेंट हैंड फ़ॉ परचेजिंग कह रहे हैं अंडर डी सेंट्रलाइजेशन परचेजिंग कोई वन बंदा परचेज़ नहीं कर रहा परचेज मैनेजर नहीं होता है जो राइट right परचेज़ करेगा मटीरियल की हर एक डिपार्टमेंट डिविजन के लिए ना जो भी सेंट्रलाइज परचेजिंग में डिफेक्ट आए थे उस सबको क्या है ओवरकम किया है डिसेंट्रलाइज परचेजिंग सिस्टम ने मेरिट्स की बात करें तो जो डिसेंट्रलाइजेशन परचेजिंग है ये फ्लैक्जिबल होती है अपने अकॉर्डिंग आप ला सकते हो क्विकली ला सकते हो परचेज़ ऑर्डर क्या है प्लेस कर सकते हो क्विकली कोई डीले नहीं होते हैं ठीक है ठेके? रिप्लेस कर सकते हो डिफेक्टिव मटेरियल को जल्दी जल्दी डिपार्टमेंटल हेड क्या है रिस्पॉन्सिबल होते हैं फिर हम है मटेरियल को परचेज़ किया जा सकता है हर एक डिपार्टमेंट के द्वारा लोकली भी मटेरियल परचेज़ किया जाता है राइट right क्वांटिटी में राइट right क्वालिटी का नो हैवी इन्वेस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड ये सारे फ़ायदे हैं पर डीमेरिट की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन लूज़ करती है बेनिफिट जो बल्क परचेज़ का है वो नहीं मिला ट्रेड डिस्काउंट नहीं मिला कैश डिस्काउंट नहीं मिला ठीक है फिर इसमें डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो सकता है डुप्लीकेशन परचेजिंग हो सकती है ठीक है अनप्लैंड बाइंग होती है यहाँ पर है हाँ ना फिर जो प्राइस है वो भी मतलब एक ऐसा नहीं होता ना कि इकोनॉमिकल प्राइस पे आपको चीज़ें मिल जाए फिर देर इज़ अ चांस कि ओवर और अंडर परचेजिंग हो सकती है यहाँ पे फ्यू चांस होते हैं इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ़ मटेरियल के तो इन प्रैक्टिकल सिचुएशन कह रहे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन अडोप्ट करती हैं हाइब्रिड सिस्टम जहाँ पे दोनों के बेनिफिट्स को लिया जाता है सेंट्रलाइज भी और डिसेंट्रलाइज भी कह रहे डिसेंट्रलाइजेशन कॉरपोरेट लेवल पे सेंट्रलाइज एट अ बिजनेस लेवल ठीक है जो हाइब्रिड सिस्टम है ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन की कि वो क्या है सारे के सारे बेनिफिट दोनों के ले सकते हैं तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर टू होप आपको समझ आ रहा है अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते रहना है so, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था डिस्कस द क्वालिफिकेशन ऑफ़ परचेज मैनेजर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है परचेज मैनेजर की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए कि अगर आप एक परचेज मैनेजर हो तो आपके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तो कह रहे हैं एक परचेज मैनेजर है ना उसके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो एक मैनेजर में होनी चाहिए तो देखते हैं सबसे पहले कि उसकी लाइक ये लिख रहे हैं कि ही शुड प्रोसेस फिज़िकल क्वालिटीज़ फ़िजिकल क्वालिटीज़ होनी चाहिए लाइक साउंड हेल्थ होना चाहिए है ना फिर ही शुड बी अ पर्सन ऑफ मतलब सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए ऑनेस्ट होना चाहिए इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसमें जजमेंट उसकी अच्छी होनी चाहिए मेंटल कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए ठीक है एबिलिटी टू टीच होना चाहिए अपने जूनियर को वो बता सके समझा सके उसके अंदर कॉपरेटिवनेस होनी चाहिए इंस्पायरिंग होना चाहिए वो ठीक है फिर गुड एजुकेशन बैकग्राउंड होना चाहिए उसका ठीक है वो ग्रेजुएट हो पोस्ट ग्रेजुएट हो डिप्लोमा हो उसके पास परचेज मैनेजमेंट का या उसका एक सब्जेक्ट हो परचेज़ मैनेजमेंट ठीक है फिर जो भी डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन अगर एक प्रॉपर परचेज मैनेजर को चाहिए होती है वो हूँ ठीक है फिर uh, मतलब वो प्रोफेशनल मैगजीन्स uh, इनके टच में हो बुक इंटरनेट इन्फॉर्मेशन जो भी फील्ड में परचेज मैनेजमेंट के होती है वो सारी इसको नॉलेज हो ही शुड हैव अ कॉमन सेंस एंड एनालिटिकल माइंड ठीक है एनालिटिकल माइंड होना चाहिए चीज़ों को समझना आना चाहिए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पता हो उसको ठीक है कीन ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए उसकी वो ऑब्जर्व चीज़ों को अच्छे से करें उसकी गुड लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए टीम वर्क अच्छा आना चाहिए मोटिवेट करे वो एम्प्लॉयज़ को एंड उसके अंदर जो मैनेजर की एबिलिटीज़ होती है क्वालिटीज़ होती है वो भी हो क्योंकि वो है तो परचेज़ मैनेजर ना तो मैनेजर वाली स्किल्स होनी चाहिए लाइक प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेटिंग मोटिवेटिंग कम्युनिकेटिंग कंट्रोलिंग ये सब उसको आना चाहिए नाउ तो ये भी अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहा है तो लाइक करना है जिसने कर दिया उसके लिए ठीक है जो अभी तक नहीं कर रहा उसको देन फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ परचेजिंग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परचेजिंग के प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं कह रहे परचेज करना मटेरियल को तो राइट right क्वालिटी का करना राइट right क्वांटिटी में करना है राइट right टाइम पे करना है और राइट right सोर्स से करना है राइट right प्राइस पे करना है एंड फिर उसकी डिलीवरी भी राइट right प्लेस पे होनी चाहिए तो ये सिक्स एलिमेंट टाइप प्रिंसिपल बोल सकते हो आप साइंटिफिक परचेजिंग के तो इन्हें वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले राइट क्वालिटी देखते हैं कह रहे राइट क्वालिटी का मतलब है रेफर्स टू सूटेबिलिटी ऑफ एन आइटम कह रहे जो क्वालिटी आपको चाहिए जो क्वालिटी आपको सूट होती है आपके प्रोडक्ट को सूट होती है वो आपको क्या है आ, वैसे पे लेनी है तो जो बेस्ट क्वालिटी है इसका मतलब ये नहीं है नॉट ऑलवेज द राइट क्वालिटी जो सही है इसका मतलब ये नहीं कि वो बेस्ट होएगी फॉर प्रोड्यूसिंग द गुड्स बेस्ट क्वालिटी का मतलब है बेस्ट ग्रेड ऑफ रॉ मटेरियल ठीक है राइट क्वालिटी वेयर एज फॉर प्रोड्यूसिंग आइटम और मीडियम मीडियम क्वालिटी जो एवरेज ग्रेड में भी राइट क्वालिटी तो मतलब आपका क्या है क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के जैसी जैसी रिक्वायरमेंट है आप वैसी वैसी क्या करो uh, लेके आओ क्वालिटी हा जो परचेज डिपार्टमेंट है वो सजेस्ट करता है वेरियस ऑल्टरनेटिव इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट मस्ट वेरीफाई कि जो गुड सप्लाई किए गए हैं वो अकॉर्डिंग टू ऑर्डर हैं ठीक है राइट क्वालिटी right जो परचेज करोगे ये बहुत ही जरूरी होता है इससे क्रिएट होती है आपकी गुडविल राइट right प्रोडक्शन होती है स्टैंडर्डाइजेशन एंड एलिमिनेशन होती है वेस्टेज की फिर है राइट क्वांटिटी कह रहे क्वांटिटी राइट लाना बहुत ज़रूरी होता है अंडर और ओवर अगर ऐसा परचेजिंग हो गई ना आपकी क्वांटिटी में तो अगर कम हुई तो आप अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठा पाओगे ज़्यादा हो गई तो आपकी वहाँ पर वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होगी ठीक है इन्वेस्टमेंट लगी तो ई क्यू हमारा एक फॉर्मूला होता है जिसको आपको पता होता है इससे पता लगा सकते हो कि कितना क्या है आपको चाहिए फिर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है इन्वेंट्री की एक होता है कैरिंग कॉस्ट ये हमें पता है ना ई क्यू हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में कर लेंगे फार्मूले में दो कॉस्ट लेते हैं एक कैरिंग कॉस्ट कि उस इन्वेंट्री को कैरी करने की कितनी कॉस्ट लग रही है देन ऑर्डरिंग कॉस्ट उस आ, उस पर्टिकुलर ऑर्डर को ऑर्डर करने की कितनी हमारी कॉस्ट लग रही है दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट पता लग जाएगी तो ये फॉर्मूला होता है ई यू ई ओ क्यू का ये रूट टू क्यू ओ डिवाइड बाई सी तो जब हम ना क्वेश्चन करेंगे तो उसको हम ज़्यादा अच्छे से कर लेंगे फिर यहाँ पे लिखा है एस्टिमेट करो कॉस्ट सी का मतलब होता है एस्टिमेटेड कॉस्ट कैरिंग और ओ का मतलब होता है एस्टीमेटेड कॉस्ट ऑर्डरिंग की ठीक है तो बल्क ऑर्डर भी ले सकते हो आप आर्बिट्री ऑर्डर क्वांटिटी भी ले सकते हो फिर है फॉर डिक्लाइनिंग द अमाउंट ऑफ राइट क्वांटिटी टू बी परचेज फॉलोइंग फैक्टर मस्ट बी कह रहे डिसाइड करना कि कितना राइट right क्वांटिटी आपको लेनी है तो ये चीज़ें देखोगे नेचर मटीरियल का कैसा है मार्केट की कंडीशन कैसी चल रही है कॉस्ट ऑफ मटीरियल कैसा है ठीक है उसको प्रोजेस करने की स्टोर करने की आपकी कंपनी में कितनी कैपेसिटी है ठीक है नेचर ऑफ मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है ये सब फिर आता है राइट टाइम कह रहे अगर आपने ठीक ठाक ले ली क्वालिटी क्वान्टिटी पर अगर राइट टाइम पर अवेलेबल नहीं करी तो क्या फ़ायदा है ना तो जो मटेरियल है वो परचेज़ करो राइट टाइम पे तभी उसकी वैल्यू होती है ठीक है तो ऐसा नहीं है कि आपने राइट right टाइम पे मतलब पहले से ही बहुत ज़्यादा लेके रख ली तो वो कि चलो यार टाइम टाइम पर हमें मिल तो जाएगी ऐसा भी नहीं है ठीक है एट द टाइम ही ले लिया एट अ टाइम जैसे जस्ट इन टाइम वाला मैथड होता है ना कि उसी टाइम ले लिया पर हो सकता है उस टाइम महंगी पड़ जाए तो आपको अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे अच्छी तरीके से लेनी है सब कुछ लेनी है तो उस हिसाब से क्या आपको राइट right टाइम पे आपका होना चाहिए फिर तो ये लिखा है रीऑर्डर लेवल देखते हो इसमें कि यार कौन से टाइम पे हम कर दें क्योंकि उसको आने पे टाइम लगेगा है ना आपके वहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा फिर अगर आपको उसमें कुछ एडिशन करना है तो उस पर टाइम लगेगा तब जाके आप उसको यूज़ कर सकते हो तो कह रही रीऑर्डर लेवल कि रीऑर्डर कब किया जाए तो इसमें हम फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी है आपकी मल्टीप्लाई कर दो मैक्सिमम री ऑर्डर पीरियड कितना है आपका जिसे हम लीड टाइम भी बोलते हैं फिर है राइट सोर्स कह रहे सोर्स भी राइट right होना चाहिए है ना सप्लायर आपको पता होना चाहिए जो सप्लाई कर रहा है आपका मटीरियल फेवरेबल टर्म्स में करे ठीक है कंडीशन इकनॉमिकल प्राइस होना चाहिए राइट टाइम राइट क्वान्टिटी पर वो देता हो पता लगे आपने सब कुछ राइट right क्वालिटी का सब कुछ मंगा लिया पर टाइम पे उसने दिया ही नहीं है ना तो उसके बारे में सब रिसर्च करना उसके बाद ऑर्डर देना तो सिलेक्शन करने अगर राइट right सोर्स का तो उसमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती है जैसे फाइनेंशियल साउंडनेस कैसी है सप्लायर की फ्लेक्सिबिलिटी एंड कॉपरेटिनेस एबिलिटी कितनी है प्राइस कितना ऑफर कर रहा है वो क्वांटिटी क्वालिटी क्या ऑफ़र की उसने लीड टाइम कितना है पेमेंट्स की टर्म्स कंडीशन कैसी है क्या कोई ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है वो क्या कितनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी वहाँ से यहाँ लाने में रेपुटेशन क्या है सप्लायर की मार्केट में ये सब फिर फिफ्थ है हमारा राइट प्राइस प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है देखो प्राइस अगर जितना अच्छा होगा ना उतना ही आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट कम आएगी और कम आएगी तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो यहाँ पे स्टडी करना बहुत ज़्यादा हो जाता है तो मटेरियल जो परचेस कर रहे हो राइट right प्राइस पे इस पर आप इनवाइट करते हो कोटेशन डिफरेंट डिफरेंट सप्लायर्स को कि हमें ये चाहिए आप बताओ आप कितना में दोगे तो फिर जितने भी आपको मतलब आपके पास आए होंगे कोटेशन का रिप्लाई फिर आप उसमें देखोगे कि सबसे कम प्राइस कौन मतलब सबसे कम प्राइस पे राइट क्वांटिटी वाला राइट क्वालिटी का कौन दे रहा है जो आपको बेस्ट लगता है ऑल्टरनेटिव में से आप उसे सेलेक्ट कर लोगे और फाइनली फिर क्या करोगे आप इसको सेलेक्ट कर लोगे राइट प्लेस है कह रहे ऑब्टेन करना मटेरियल राइट क्वालिटी का राइट क्वांटिटी का राइट सोर्स से ये तो ठीक है पर राइट प्रा, राइट प्राइस भी ठीक है पर उसको क्या है राइट प्लेस पे भी आना है ठीक है uh, मतलब जहाँ पे आपका स्टोरेज एरिया है ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वहाँ पे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमाइज हो पता लगे कि आपको राइट right क्वालिटी का मिल रहा था राइट right, सब राइट right था पर बहुत दूर था अब पता लगा प्लेस आपकी बहुत दूर है तो वो तो वैसे ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी तो बात तो वही होगी तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए ठीक है तो सिक्स आर ऑफ़ परचेजिंग आपको पता होना चाहिए जिसको हम इसेंशियल्स भी बोलते हैं और प्रिंसिपल्स ऑफ परचेजिंग भी बोलते हैं ठीक है थीके? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फोर होप आपको समझ आओ नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव वट आइटम्स आर टू बी कंसीडर्ड इंक्लूडिंग इन अराइविंग एट द कॉस्ट ऑफ मटीरियल कह रहे जो कॉस्ट ऑफ मटीरियल है वहाँ तक आने में उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आपको क्या करनी पड़ती है कंसिडर करनी पड़ती है कौन कौन सी आइटम बेसिकली तो पहला तो है कैश डिस्काउंट कह रहे कैश डिस्काउंट क्या है एक ऐसा कंसेशन होता है जो सप्लायर आपको देता है अगर आपने जो पेमेंट है बिल की वो क्या है ड्यू डेट से पहले पहले कर दी तो जो भी डिफरेंस है uh, कह रहे देर इज़ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ सच डिस्काउंट तो ये जो डिस्काउंट डिस्काउंट है इसका क्या करना चाहिए उसके अलग अलग ओपिनियन है वन व्यू इज़ दैट एक तो ये है कि जो कैश डिस्काउंट है उसको सब्सट्रैक्ट कर दो कॉस्ट ऑफ मटीरियल से सो so दैट आपकी नेट कॉस्ट ऑफ मटीरियल पता लग जाए और अदर व्यू है कि जो कैश डिस्काउंट वो प्योरली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है एंड उसको क्या है एक्सक्लूड करो कॉस्ट अकाउंट से ठीक है फिर आता है ट्रेड डिस्काउंट तो इसमें क्या होता है कि कंसेशन जो कि गिवन मतलब दिया जा रहा है आपको सप्लायर के द्वारा बल्क परचेसिंग पे तो उसे कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट अब जो ट्रेड डिस्काउंट है उसे डिडक्ट करोगे आप परचेसिंग प्राइस से फिर है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जनरली जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस होते हैं ये पे किए जाते हैं परचेजर के द्वारा इसको ऐड किया जाता है परचेज प्राइस पे मटीरियल के ठीक है एंड ऑन द अदर हैंड उनको क्या है ट्रीट किया जा सकता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी एंड इसको हम क्या है ओवरहेड पे भी कंसीडर कर सकते हैं फिर आता है कस्टम ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी सेल्स टैक्स एक्सेट्रा ऑल दीज टैक्सेस ये पार्ट होते हैं परचेज प्राइस का एंड इसको ऐड किया जाता है कॉस्ट ऑफ मटीरियल में देन आता है कॉस्ट ऑफ़ कंटेनर कॉस्ट ऑफ कंटेनर को ऐड नहीं किया जाता इज़ नॉट एडेड सेपरेटली टू द परचेज प्राइस हाउ ये पार्ट ही होता है परचेजिंग प्राइस का इन केस अगर कंटेनर क्या है रिटर्नेबल है मतलब रिटर्न कर सकते हो आप तो रिफंड क्या है फ्रॉम कंटेनर को क्या है फिर डिडक्ट कर दिया जाता है परचेजिंग प्राइस से होप आपको समझ आ रहा हो फिर है क्वेश्चन नंबर सिक्स डिस्कस द प्रोसीजर इन्वॉल्व इन परचेजिंग अब आपको ना परचेजिंग का प्रोसीजर बताना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरा प्रोसेस आपसे पूछा जा सकता है एंड uh, क्या प्रिंसिपल्स हैं एक साउंड परचेज प्रोसीजर के ओके okay. तो क्या बोला इन्होंने कह रहे परचेज प्रोसीजर एक ऐसा मेथड है जिसे फॉलो किया जाता है परचेज़ करने के लिए मटेरियल को लार्ज मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडिपेंडेंट परचेज डिपार्टमेंट उनका होता है जो कि है क्वालिफाइड परचेज़ मैनेजर के द्वारा ऑपरेट किया जाता है हर एक कंपनी की यूनिक परचेजिंग प्रोसीजर होता है अकॉर्डिंग टू उसका साइज कितना है नेचर कितना है पॉलिसी कि, क्या है उनकी प्रिंसिपल क्या है साउंड परचेज प्रोसीजर के ये हैं कि परचेज प्रोसीजर सिंपल होना चाहिए क्लियर होना चाहिए ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग होना चाहिए फ्लेक्सिबल होना चाहिए अगर कोई कल को फ्लक्चुएशंस आती है तो हम कर सकें इन एक्सपेंसिव होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल बाय एक्सेप्शन फॉलो करे वो फेयर डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस टू एम्प्लॉय हो प्रोसीजर शुड भी इनकरेज हो सो दैट कोऑर्डिनेशन बनी रहे डिपार्टमेंट के बीच में नाउ अब हम प्रोसीजर करते हैं तो प्रोसीजर में क्या है सबसे पहले कह रहे हैं डिटरमाइन करो कि परचेज़ बजट कितना है जेब में पैसे कितने हैं परचेज मैनेजर को प्रिपेयर करना है पहले परचेज़ बजट ठीक है फाइनेंशियल ईयर का इसमें होगा क्या डिटेल इन्फॉमेसन होगी क्वालिटी कितनी क्वांटिटी आपको परचेज़ करनी है किस क्वालिटी की करनी है किस टाइम तक करनी है क्या सोर्स होगा फिर असरटेन करो क्या नीड क्या है आपकी नीड ऑफ मटीरियल क्या है ठीक है और स्टोर ओरिजिनेट फ्रॉम बोथ प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट से आप देखो कितना जरूरी है आपको कितना सामान आपको चाहिए फिर है रिसिप्ट ऑफ रिसिप्टचेज रिक्वजिशन फिर वहाँ से क्या है उनका वो हर एक डिपार्टमेंट क्या अपनी रिक्वायरमेंट्स को आपको देगा तो रिसीव करोगे आप उनसे एक रिक्वेस्ट ठीक है परचेज रिक्विजीशन एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है जो क्या है परचेजिंग डिपार्टमेंट को आती है परचेज़ करने की मटेरियल फिर एक फॉर्म प्रिपेयर किया जाता है स्टोर स्टोर कीपर के द्वारा रेगुलर स्टॉक मटीरियल का डिपार्टमेंट हेड कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो वो बताता है तो ये कुछ क्या है फॉर्म प्रिपेयर किए जाते हैं देने तो परचेज रिक्विजीशन के अंदर क्या क्या होता है सीरियल नंबर नेम क्वान्टिट्टी डेट प्लेस ऑफ डिलीवरी सिग्नेचर ये सब द, आ, फिर डिटरमाइनिंग एंड नेगोशिएशन फिर अब आप क्या करोगे डिटरमाइन करोगे नेगोशिएशन करोगे कि किस सप्लायर से मुझे ख़रीदना है उसके साथ क्या है नेगोशिएशन करोगे फेवरेबल टर्म्स पे कि आपको क्या बेस्ट सप्लायर भी ढूंढना है फिर जो आप चाहते हो जिस क्वालिटी क्वान्टिट्टी का टाइम पे सामान वैसा वो आपको दे फाइनेंशियल साउंडनेस होनी चाहिए सप्लायर की कोऑपरेटिव एबिलिटी होनी चाहिए जो वो प्राइस ऑफर कर रहा है ये देखोगे आप ये सारा अभी हमने देखा था कि एक परचेज मैनेजर के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए तो वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है फिर नेगोशिएशन करोगे उसके साथ नेगोशिएशन का मतलब होता है कम्युनिकेशन करना बायर और सेलर के बीच में नेगोशिएशन इसलिए की जाती है कि टर्म्स एंड कंडीशंस पहले ही डिसाइड uh, कर ली जाएँ ठीक है सो so दैट आगे कोई हर्डल ना है तो बेस्ट प्राइस पे uh, बात की जाती है क्वांटिटी क्वालिटी ठीक है टाइम डिलीवरी प्लेस ऑफ डिलीवरी इन पर क्या बातें की जाती हैं फिर आप देखोगे कि क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए एक नेगोशिएटर की कह रही एक जो नेगोशिएटर है ना वो क्या होना चाहिए शुड बी क्विक एंड क्लियर थिंकिंग होनी चाहिए वो अपनी बात को क्लियरली बता सके ठीक है पेशेंट होना चाहिए और टैक्टफुल होना चाहिए ठीक है ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है उसकी और उसको अपने पॉइंट रखना आना चाहिए सामने वाले का भी सुने वो ठीक है कि नेगोशिएशन क्या है कन्विंस होनी चाहिए मतलब कन्विंस करे सामने वाले को ठीक है और ही शुड हैव अ रेडी सेंस ऑफ ह्यूमर टू कूल टेम्पर कूल टेम्पर होना चाहिए ऐसा नहीं है बार बार पे मतलब कि बहुत ज़्यादा जैसे डांट दिया गुस्सा कर दिया ऐसा नहीं होना चाहिए कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए उसको उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ठीक है और टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग लॉज वगैरह ये सब पता होनी चाहिए नेगोशिएटर है उसके अंदर स्किल्स होनी चाहिए कि वो आइडेंटिफाई कर सके क्या इशू है कैसे से ठीक किया जा सकता है ही शुड हैव रिसीव द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग उसको क्या है वो ट्रेंड होना चाहिए बेसिकली फिर इन्वाइट किया जाएगा टेंडर कोटेशन को ठीक है तो एक बार सोर्स ऑफ सप्लायर सेलेक्ट कर दिया जाएगा तो फाइनल सप्लायर को डिसाइड किया जाएगा और इशू कर दिया जाएगा उसको टेंडर और टेंडर एक रिटर्न लेटर होता है जिसमें क्या है या एक एडवर्टाइजमेंट गिवन इन न्यूज़पेपर होता है जिसमें इनवाइट करते हो और प्रोस्पेक्टिव सप्लायर को कोट करते हो अपना लोएस्ट प्राइस कि हम इतने पे देंगे एंड अदर टर्म कंडीशंस जो भी है आपकी फिर so रिसीव करते हो जब टेंडर तो एंट्री मेड की जाती है रजिस्टर ऑफ टेंडर में जो टेंडर है ओपन किए जाते हैं ठीक है फिर है प्लेसिंग ऑर्डर आफ्टर सेलेक्ट करोगे सप्लायर uh, कर, को तो परचेज़ डिपार्टमेंट प्रिपेयर करता है एक ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए परचेज़ ऑर्डर क्या है uh, मतलब आप यहाँ पे प्लेस कर दोगे ऑर्डर क्या कैसे बाय करना है कितने क्वांटिटी में किस क्वालिटी का फिर फाइनली आप उसको फॉलोअप करोगे परचेज ऑर्डर को कि मतलब ट्रैक uh, रखना ये सब करना कि वो टाइम पे आ रहा है ठीक है सप्लायर है उसने वो हमारे प्रोडक्ट क्या है वो कर दिए प्लेस कर दिए ये सब फिर है रिसिप्ट एंड इंस्पेक्शन मटेरियल अब एक बार क्या है आपका सामान आपके हाथ में आ गया तो आप इंस्पेक्शन करोगे रिसिप्ट देखोगे ठीक है उसके बाद फाइनली उसको पेमेंट कर दोगे तो यहाँ पे लिखा है फंक्शन क्या है रिसिप्ट एंड इंस्पेक्शन के इंस्पेक्शन uh, के सॉरी तो आप ये पढ़ लेना फिर आता है रिटर्न और रिजेक्टेड मटीरियल अगर आपको उनमें से कुछ अच्छा नहीं लग रहा आफ्टर इंस्पेक्शन तो आप रिटर्न डाल सकते हो या फिर रिजेक्ट कर सकते हो मटीरियल को देन टेंथ है हमारा चेकिंग इन्वाइस लास्टली आप क्या करोगे परचेज़ डिपार्टमेंट चेक करता है इन जो भी सप्लाई की है वेंडर ने ठीक है फिर मेकिंग पेमेंट और फाइनली आप क्या कर दोगे पेमेंट कर दोगे सारी चीज़ों को देखने के बाद तो दर्ज जो परचेजिंग प्रोसीजर है इसके अंदर जो भी हमने अबव अब अब मैंशन स्टेप्स पढ़े वो सारे के सारे इंक्लूड होते हैं तो होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ आया हो परचेज मैनेजमेंट जो हमने पूरा करा तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है वीडियो को लाइक भी कर देना है और नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो